नमस्कार प्रणाम अहाँ सब गोटा के। हम अभी स्थित छी मुनी बाबा लग। मुनी बाबा जे है से बेला दौरा में छे बावरी प्रखंड के अंतर्गत। अई जगह रविवार के दिन में हजारों के संख्या में श्रद्धालु आवे छे। अई जगह जे है से मन के मुराद लगावे या बहुत एहन जे है से कपल भी आवे छे। अई जगह सेल्फी पॉइंट भी है। तो हम आगे जाए के प्रयास करबे अहाँ के हर जगह जे है से अहाँ के घंटी ही घंटी नजर आओ। तो घंटी में जे है से घंटी के ही आवाज़ सुनाई देत। तो चलू हम मंदिर के अंदर में परिसर में जा रहा छी। बहुत एहन श्रद्धालु जे अई जगह आबे है अपन इच्छा ल कर और इच्छा हुनका कंप्लीट भ जाए छे। तो अई जगह जे है से घंटी बांध दे छे। तो कहलो हाँ कि हाँ मुनि बाबा की जाय हो देख रहा छी। तो अहाँ सबके कहलो हाँ कि बहुत दिन से लगभग 40 वर्ष से अई जगह जे है से आदमी सब श्रद्धा से हम बातचीत करब। हिनका से जानकारी लेब कि मुनि बाबा के जे है कमेटी मेंबर है मुनि बाबा के स्थान में। तो हिनका से अहाँ के नाम की भेल सर? उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव जी अहाँ के घर? हमर घर दौरा भेल। कहलहुँ हाँ कि मुनि बाबा लग कते साल से एक जगह श्रद्धालु आबि रहल छे? अठान 35 साल पहले कुछ नहीं श्रद्धालु अबे छले, एका दुका अबे छले, बुझलिए। अठान कुछ नहीं छले, सब जंगल के तरह छले, बुझलिए। लेकिन स्थान बहुत पुराना है, स्थान बहुत पुराना है, हजारों साल पहले के है। ये राजा बलि के बनायल मंदिर छले, लेकिन ये प्राचीन काल से मंदिर बनल छे। तो ये मंदिर ध्वस्त भेला के बाद में पेड़ निकल, पेड़ के जड़ से शिवलिंग जे है से निकलल छथिन बाबा स्थान पर। अखन तक विराजमान छथिन बाबा। और कम से कम 35 साल 40 साल हमरा सबके भ गेल कमेटी बनलिए एठान स्थान के। ओके बाद ये सब कार्यक्रम कर लिए, जंगल झाड़ साफ के लिए। ओके बाद हम सब मंदिर बनलिए। पहले सबसे पहले काम कुआं खोदलिए। अच्छा, सबसे पहला काम कुआं खोदलिए नवासिये में। ओके बाद मंदिर बनले। ओके बाद पोखर के लिए जमीन लाल गेले। ओके बाद ये सब जमीन छले गृहस्थ के, ये सब जमीन खरीदल गेल है। कुछ स्थान में जमीन जे है से बाहर चोरियों में छै, उपजाऊ जमीनों छै जे दान में मिलल छै। कुछ बाकी जमीन हम सब खरीदनहु छियै, ये सब ग्राउंड जे से खरीदल है जादातर, थोड़ा बहुत दानों में मिलल छै। कहलहुँ कि एहि जगह श्रद्धालु कोन दिन के आबे से हमरा कनि जानकारी? ओना तो हमेशा आबे है, लेकिन मेन है रवि दिन के। रवि दिन के बहुत ज्यादा मतलब हजारों के संख्या मेला लगे हर संडे। हर संडे मेला लगे, ओना श्रद्धालु हर रोज आबे है, 10-20-50-25 हमेशा आबे है। लेकिन आई के जो आबे है उ सैकड़ों के हिसाब से। एहि जगह देखो श्रद्धालु आबे के कोई रीजन हेते कि मतलब इनका मन के मराद पूरा? अठान जे ई स्थान छे जे अपना मन में सच्चे दिल से जे चीज रोपि को अबे छे कि हमरा अठान छे पूर्ति भ जात, बाबा के अर्जी जे लगा ले छथिन उनका जे ऊ पूर्ण भ जाय छथिन। तो कोई आपके भंडारा करै छथिन, कोई घंटी चढ़ाबै छथिन, कोई प्रसाद चढ़ाबै छथिन, जकरा जे इच्छा है से करै छथिन। जिनका जे श्रद्धालु के जे इच्छा होइ छै। तऽ देखियौ हम ग्रामीण से बातचीत केलहुँ हँ, बहुत नीक लागल। जे आओर जे है से जगह भंडारो होइ यार, जे भंडारा होइ यार एहि जगह जे है से मुनि मुनि पाँच गो दस गो भंडारा हमेशा होते रहै छै रवि दिन। अच्छा, रवि दिन के आइयो हाथ भंडारा? आइयो भंडारा भेलै, उसे गेलै भंडारा। अच्छा, क्या बजे से क्या बजे भंडारा के टाइम रखल गए? 7 बजे से लकऽ शाम तक भंडारा चलै छै। अच्छा, जे में मतलब श्रद्धालु सब अपन सामान लकऽ आयल? पूर्ण भ गेलै। हाँ, पूर्ण भ गेल तऽ आयल तऽ अपन जेना कि मुरन करबे के होय, गाड़ी पूजा के लिए, सब चीज के लिए जे एठान श्रद्धालु आबे छै। दुटा गाड़ी जे है से नया पूजा भ रहल छलै, दुए टा आबे, 15-15 टा 20-20 टा गाड़ी आबे एक दिन के। जिनका रोज आबे है, एक दा दुका तो रोज आबैत रहल, लेकिन रवि दिन के जे है से 10-15-20 टा आयल मुरनो भेल एठान। चलू तऽ एहि जगह देख सकै छियै मुनि बाबा लग जे है से सेल्फी पॉइंट भी बनल छै, अहाँ देख सकै छियै। और एहि जगह सिर्फ अहाँके आवाज सुनाइ देत। और कोई कोई जे है से घंटी में भी नाम लिखने है, राम बाबू हनुमान, जिनका जिनका मुराद पूरा होइ छै ओ सब जे है से घंटी एहि जगह बांधि दै छै। बहुत सारा जे है से घंटी अहाँके देखत। एहि जगह जे है से हम प्रयास करबै कैमरामैन से कहबै कि कनी अहाँ स्पीड में चलू। एहि जगह जे है से अहाँके मुनि बाबा के स्थान है। तऽ हम एहि जगह धीरे से जब एहि जगह देख रहल छी कि अहाँके सिर्फ घंटी ही घंटी नजर आओत। एहि जगह जे है से जल गंगा जल कहियो अर्पित करै छै आदमी सब, जिनका जिनका जे है से मुराद पूरा होइ छै ओ सब जे है से घंटी बांधि दै छै। एहि जगह अहाँ देख सकै छियै कि हजारों के संख्या में श्रद्धालु आबै छै एहि जगह। और एहि जगह जिनका जिनका मुराद पूरा होइ छै ओ सब जे है से अपन अपन घंटी बांधि दै छै। तऽ अहाँ देख सकै छियै। हाँ, चांदी के नाग चढ़ै छै, सोना के नाग चढ़ै छै। अच्छा, राजा बलि रहते टाइम के स्थान छै ई, आइ काल्हि के स्थान नहि छै। अच्छा, प्राचीन काल के मन? हाँ हाँ हाँ, राजा बलि के टाइम के स्थान छियै। गाछे से अनुमान करियो जे देखियो कते गोजन के गाछ तो बहुत विशाल लगैए। हाँ, यही की इएह छियै मुनि बाबा अंदर में। बाबा देखियो पृथ्वी के, देखा दियो मुनि बाबा के फोटो कक देख भेज दियो बाबा के, देखियो पृथ्वी से निकलल छथि। अच्छा, अहाँ देख सकै छियै, देखियो महादेव जी छथि बाबा के अंदर। बाबा छथि हाँ, ऊपर देखियो अहाँ के पूरा क्लियर दिखत। कनी अहाँ साइड बजबै? हाँ हाँ हाँ, देख लेलहुँ शिवलिंग। हाँ हाँ, देख
अहाँ देख सकै छियै, देख सकै छियै कि शिवलिंग छै एहि जगह, आओर बाबा एहि जगह धरती तौर से निकलल छै। लगभग प्राचीन काल के जे है से आदमी सब एहि जगह आबि रहल है पूजा करे के लिए, और एहि जगह जे है से अगल बगल में अहाँ के हजारों के संख्या में श्रद्धालु आबै छै, उनका मुराद पूरा भ जाए छै। तो ई सब अहाँ देख सकै छियै, हर जगह अहाँ जेम्हर नजर रखबे तेम्हर अहाँ के घंटी नजर मिलत। एहि जगह देखियो घंटी छै, अहाँ के पेड़ में बांध देने छै, चारों साइड में हर जगह घंटी। एहि जगह पता चलल गा कि घंटी जब पूरा फूल भ जाए छै तऽ घंटी के खोल के घरों में राखल जाए छै। दू ट्रैक्टर छै, दू ट्रैक्टर घर में राखल छै घंटी से, क्विंटल क्विंटल वाला सब, क्विंटल क्विंटल। हां, बाबा के दरबार में देखियो एहि जगह एते श्रद्धालु के जे है से इच्छा के पूरा पूर्ति होइ छै, तऽ आदमी सब अपने आप आबि कऽ एहि जगह जे है से घंटी बांध दै छै। तऽ अहाँ देख सकै छियै और देखियो हर जगह घंटी अहाँ के दिखाई देत। हम जे है से आयल छलहुँ हँ दर्शन करे के लिए, तऽ मुनि बाबा के दर्शन कह के आई के बाद जे है से सोचलहुँ हँ कि अहाँ सबके जे है से बहुत दिन से इच्छा छल कि कम से कम हमरा नज़दीकी जे है से बेला दौरा में मुनि बाबा स्थान अछि बावड़ी प्रखंड के अंतर्गत, तो हम सब सोचलहुँ कि कम से कम एहि जगह आबि के अहाँ सबके ई चीज के दर्शन दिए देखाबे के प्रयास कलहुँ हँ। तो अहाँ सबके केहन लागल? टाइम्स ऑफ मैथिली देखे वाला सब श्रोता सबके नमस्कार प्रणाम, और चलू नेक्स्ट वीडियो में मिले छी।